नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदीर पर लगे दुष्कर्म के मामले में पीड़िता ने अब खुलकर मीडिया के सामने अपना बयान दिया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की मुसीबतें फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी नेता नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर लगे दुष्कर्म मामले में पीड़िता ने अब खुलकर मीडिया के सामने अपना बयान दिया। पीड़िता ने अपने और पलाश के बीच 3 साल के रिश्ते का खुलासा किया। पीड़िता ने नेता प्रतिपक्ष के परिवार के साथ बीजेपी पार्टी पर भी डराने धमकाने का आरोप लगाया। पीड़िता ने मुख्यमंत्री से खुद के साथ पूरे परिवार की सुरक्षा की मांग की। दुष्कर्म पीड़िता ने आज मीडिया के सामने आकर नेता प्रतिपक्ष और उसके बेटे पलाश चंदेल सहित पूरे परिवार पर गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि जब से उसने नेता प्रतिपक्ष के बेटे के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, तब से उसको और उसके परिवार वालों को धमकियां मिल रही हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता उसको और उसके परिवार वालों को डरा रहे हैं। आपको बता दें, पीड़िता ने 19 जनवरी को रायपुर में महिला थाने में पलाश चंदेल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की डायरी रायपुर से जांच कोतवाली भेज दी गई। पलाश चंदेल के खिलाफ पीड़िता से दुष्कर्म, गर्भपात सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज है। पीड़िता ने पलाश चंदेल और उसके बीच के रिश्ते का खुलासा करते हुए मीडिया के सामने बताया कि पलाश उसको शादी का झांसा देकर पिछले 3 वर्षों से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। 2 साल पहले जब पीड़िता गर्भवती हुई तो धोखे से दवाई खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया। पलाश चंदेल पर पीड़िता ने मारपीट का भी आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि पलाश ने उसके साथ मारपीट की थी, जिसके कारण उसके कान के पर्दे फट गए थे। अजय यादव, जांच के चापा, टीवी इंडिया 18 की रिपोर्ट। 25/1/2023 को मैं प्रार्थना स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी परेशानियों, अपनी तकलीफों को बताने जा रही हूँ। चूँकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ और फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, इसलिए अब मीडिया के माध्यम से सभी जनता को, छत्तीसगढ़ की सभी आदिवासी भाइयों को संबोधित करते हुए माननीय श्री हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को, श्री प्रधानमंत्री महोदय जी को मैं सूचित करना चाहती हूँ कि आज दिनांक 25/1/2023 को मैं चूँकि मीडिया कॉन्फ्रेंस करने जा रही हूँ, यदि मेरे साथ कोई भी घटना या मेरे परिवार के साथ कोई घटना घटित होती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी पूरे बीजेपी पार्टी की और पलाश चंदेल, शेखर चंदेल एवं नारायण चंदेल के पूरे परिवार की होगी। क्या स्थिति बन रही है जैसा आप? जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं 19 तारीख को रायपुर में महिला थाना रायपुर में अपना रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद 20 तारीख को जांजगीर फाइल ट्रांसफ़र किया गया है। उसके उपरांत ये परिस्थिति बन रही है कि मेरे घर परिवार के जितने भी रिश्तेदार जहाँ जहाँ जिस जिले में पाए जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हर एक जगह जा जाकर मेरे परिवार को ऐसा मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, इतना दबाव बनाए हुए हैं कि स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो नौकरी पेशा मेरे घर परिवार के सदस्य हैं वो अपनी नौकरी स्थल पे जा नहीं पा रहे हैं। आज मजबूरी में मैं यह कदम मेरे को उठाना पड़ा अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सूचित करते हुए ये कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और श्री मोदी जी को भी संबोधित करती हूँ कि यदि मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ कोई घटना घटती है तो संपूर्ण जवाबदारी जो होगी वो पूरी बीजेपी पार्टी के साथ साथ पलाश चंदेल, शेखर चंदेल, नारायण चंदेल के साथ साथ पूरे परिवार की होगी। पत्र भी लिखा है जी, मैंने पत्र लिखा है माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी को। कारण यही था कि मेरे परिवार को इस हद तक मानसिक प्रताड़ित किया गया है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्कूल के बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो नौकरी पेशा हैं वो नौकरी पर अपनी जा नहीं पा रहे हैं, सभी को इतना भय और डर खौफ मनाकर मेरे घर परिवार जितने भी रिश्तेदार पाए जा रहे हैं सबके सामने ऐसा खौफ बनाकर रख दिए हैं कि घर से निकलना उनको असुरक्षित महसूस हो रहा है। आपने जो FIR में जो दर्ज कराई है इन बातों का? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने महिला थाना रायपुर में अनुसूचित जनजाति आयोग के माध्यम से FIR कराया है। कारण ये था कि पलाश चंदेल 2018 में बार बार मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक आईडी पर बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता था, जिसको मैं बार बार डिलीट करती थी, और एक बार फिर से फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया जिसको मैं एक्सेप्ट करी और सामान्य बात होती रही हमारी, मतलब अच्छी दोस्ती हो गई उस दरमियान। और उस समय चूँकि इलेक्शन का समय था तो उसने ये भी कहा कि अपने दोस्तों के माध्यम से मेरे पापा को सपोर्ट कराना, तो मैं उसके लिए सपोर्ट भी करी
और इस दरमियान 2018 में मैं अपने निजी काम से बिलासपुर जा रही थी नैला से, तो उस समय मैं नैला काउंटर में खड़ी थी, तो पलाश चंदेल उस समय पहचान कर मुझे मेरे पास आया और बोला कि मैं पलाश चंदेल, हम लोग फेसबुक में फ्रेंड हैं। उसके बाद पलाश चंदेल मेरा मोबाइल नंबर मांगा और अपने नंबर से मेरे देने पे अपने नंबर से मेरे नंबर पे मिस कॉल किया और ख़ुद सेव किया और मुझे भी सेव करने के लिए बोला। उसके दरमियान हम लोग की बातचीत होती रही और दोस्ती अच्छी थी। 3 जनवरी को पलाश अचानक मेरे घर आया और शादी के लिए प्रपोज़ल रखा। मैं स्पष्ट उसको समझाई कि देखो ऐसा है, मैं आदिवासी लड़की हूँ और तुम जिस वर्ग से बिलोंग करते हो उसमें मैं नहीं आती हूँ। तो उसे मैं ये बोला कि तुम्हारे आदिवासी होने या तुम्हारे साथ जो भी पास्ट में हुआ है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं शिक्षित परिवार से हूँ और मेरे परिवार वाले जातिगत भेदभाव या धर्म को नहीं मानते हैं, इसलिए पूरे परिवार की सहमति के साथ हम शादी करेंगे करके। तो मैं उसको काफ़ी समझाई कि देखो आदिवासी हूँ, तुम्हारे जो परिवार की स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग मेरे फैमिली की स्टेटस जो है काफ़ी नॉर्मल है, तो ऐसी सिचुएशन मेरे को सोचने समझने के लिए, तुम बार बार जिद कर रहे हो शादी के लिए तो मुझे सोचने समझने के लिए कुछ समय का टाइम चाहिए, और मैं टाइम मांगी। ऐसा बातचीत हुआ, घर आया था 3 तारीख को, प्रपोज़ल उसी दिन किया, रखा था शादी का, और उसके बाद बातचीत हुई, मैं समय मांगी, उसके बाद पलाश चंदेल चला गया। 6 तारीख को अचानक मेरे घर आया, जब मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी तब पलाश चंदेल पीछे से पकड़ कर मुझे ज़बरदस्ती बेड पर पटक कर मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। और इस दरमियान जब मैं रोने लगी काफ़ी ज़्यादा, तो मनाने लगा, समझाने लगा कि नहीं, मुझे तुम्हारे जाति से कोई परेशानी नहीं है, तुम्हारे धर्म से कोई परेशानी नहीं है, तुम्हारे समाज से कोई परेशानी नहीं है, ऐसा बोल बोलकर काफ़ी समझाने लगा। अपनी मम्मी की कसम, प्रमिला चंदेल जी की कसम, अपने पापा नारायण चंदेल जी की कसम, खा खा कर भरोसा दिलाता रहा, मनाते रहा, और काफ़ी हद तक मतलब ऐसा मोटिवेट कर लिया कि वो मेरे से शादी किसी भी परिस्थिति में करेगा, ऐसा उसके कथन के दौरान कहा गया था। और उसके बाद वो चला गया, 7 तारीख को आया, बोलता है कि मैं अपने घर परिवार में बात कर लिया हूँ तो हमारी शादी हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, और हम लोग शिक्षित परिवार से हैं जैसा तुमको बताया हूँ, तो हमको तुम्हारे जाति से तुम्हारे अतीत से कोई लेना देना नहीं है, हम जल्द ही शादी करेंगे, क्योंकि 2020 में मेरी छोटी बहन सोनाली चंदेल की शादी लग गई है, तो उसकी शादी होते ही हम शादी करेंगे। ऐसा बोल बोलकर मेरे को भरोसा दिलाता रहा और लगातार हफ्ते में 2-3 बार आता रहा और शारीरिक संबंध बनाते रहा। इसी दरमियान 18 दिसंबर 2020 की बात है, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ निमंत्रण पर खाने पर गए थे, उसमें पलाश चंदेल उसका दोस्त और मेरी सहेलियाँ भी थी जिसमें मैं भी शामिल थी। मैं उस समय कोचिंग करती थी विजन इंस्टीट्यूट में, और उस समय मेरे फ्रेंड लोगों का कॉल आ रहा था, जान पहचान वालों का, तो उसका इतना गुस्सा था कि वो मेरा फ़ोन A9 Pro भी उस समय ज़मीन में पटक कर तोड़ दिया है। जैसा आप लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ है, ये गर्भपात वाली बात है। जनवरी 2021 में मैं प्रेग्नेंट हो गई, और चूंकि महिलाओं के बीच में ऐसा रूटीन होता है कि मैस्कुलेशन जो है आगे पीछे होता रहता है, और मैं यही सोचकर कुछ दिन अवॉइड करती रही कि शायद आगे पीछे होगा ऐसा करके, और फिर जब मैं उसको बताई कि ऐसा ऐसा है, मेरे को डाउट हो रहा है थोड़ा सा ऐसा करके, ये मार्च की बात है, तो वो बोला कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। वो टेस्ट किट लेकर आया, टेस्ट किट में पॉजिटिव रिजल्ट आया। पॉजिटिव पाने के बाद में वो बहुत ऐसा खुशी जता रहा था जैसे कि वो इस जो मैं प्रेगनेंसी के बाद पलाश चंदेल को बता रही हूँ वो बहुत खुश है। और ये 13 तारीख घटना है, शाम को 7:30 बजे करीब मेरे घर आया और पनीर चिल्ली लेके आया था, तो बोला तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम इसको खा लो और थोड़ा सा तुमको ठीक लगेगा। मैं पनीर चिल्ली खाई और मेरे खाते तक पलाश चंदेल मेरे सामने बैठा रहा, जब तक मैं पनीर चिल्ली को ख़त्म नहीं की तब तक वो बैठा था। मेरे ख़त्म करने के बाद वो फ्रेश होने के लिए मेरे बाथरूम में गया, मेरे
क्वार्टर में जहाँ मैं रहती हूँ किराए पे, वहाँ गया और मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये कभी ऐसा नहीं करता। तो मैं उसके पैंट को खंगालने लगी, खंगाली तो उसके पैंट में जो टैबलेट की रैपर था और जो टेस्ट किट था वो भी था, उसको चुरा कर मैं छुपा ली उस दिन। फिर उसके बाद ये उसके 14 मार्च की बात है, ये उसको तेरह मार्च की रात को ही 3:30-4 बजे की बात है, काफ़ी ब्लीडिंग होना शुरू हुआ मेरे को, काफ़ी पेन के साथ मैं बर्दाश्त करती रही। जैसे तैसे सुबह हुआ, उसको मैं कॉल करी, वो घर आया। घर आने के बाद हम दोनों के बीच में विवाद हुआ। मैं उसको बोली कि तुम सच सच बताओ कि तुम मेरे को ऐसा क्या खिलाए हो, चूँकि 2.5 महीना हो गया था प्रेगनेंसी को, तो ये सडनली से अबॉर्शन कैसे हो गया। तो बोलता है नहीं मैं कुछ नहीं मिलाया हूँ। फिर मैं उसको एक बार प्रेशर बनाई, तुम सच सच बताओ क्या तुम मेरे को क्या मिला के खिलाए हो। तो वो बताया कि अगर मैं तुमको बोलता अबॉर्शन के लिए तो तुम नहीं मानती, इसलिए मेरे को ये अबॉर्शन कराना पड़ा, क्योंकि घर वाले बोल रहे हैं कि शादी से पहले अगर बच्चा हुआ तो हमारे समाज में बदनामी होगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए पहले शादी हो जाए उसके बाद हम बच्चा रखेंगे करके। वो मेरी ऐसी कंडीशन में, उस समय 2021 में IPL मैच चल रहा था रायपुर में, वहाँ चला गया और जो भ्रूण बचा हुआ था वो मैं खुद अपने हाथ से निकाली हूँ, जिसको वीडियो आज भी सुरक्षित है मेरे पास। मैं इस बात को न तो पलास को बताई हूँ न किसी और को बताई थी, ये मैं रिपोर्ट के दौरान सबके सामने और आप सभी के सामने आज ला रही हूँ, क्योंकि ये बहुत अति हो गया। उसके बाद धीरे धीरे ये 18 अप्रैल की बात है, 18 अप्रैल को फिर से मेरे घर आया। उससे पहले फ़ोन पे नॉर्मल बात होती थी, मेरा जो कि धोखे से अबॉर्शन कराया गया था, मेरी नाराज़गी जायज़ सी बात है कि मैं नाराज़ होती। अगर उसको अबॉर्शन कराना था एक बार मेरे को पूछता, बताता कि तुम ऐसा करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा अभी बच्चा नहीं चाहिए, वो मेरे से एक बार कंसल्ट करता, मैं राज़ी होती तो ये अबॉर्ट करा देते, कोई बात नहीं। लेकिन उसने जो धोखे से मेरा अबॉर्शन कराया वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। और 18 अप्रैल से पहले कॉल, जब भी कॉल आता तो मनाने की कोशिश करता, समझाने की कोशिश करता, हम शादी करेंगे, कोई बात नहीं, अब शादी करेंगे तब शादी करेंगे। और जैसा कि अबॉर्शन के बाद से धोखे से जो अबॉर्शन कराया, मेरा भरोसा और विश्वास टूट चुका था, इसलिए 18 अप्रैल को जब वो घर आया मेरे साथ, फिर से शारीरिक संबंध बनाने के लिए काफ़ी प्रेशर कर रहा था, चूँकि अबॉर्शन के बाद मैं काफ़ी वीक हो गई थी शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, इसलिए मैं उस चीज़ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना करी। मना करने के दौरान उसका गुस्सा इतना तेज़ था कि मैं तुमको अपनी पत्नी मानता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, ऐसा कहकर मतलब मारपीट काफ़ी हद तक किया, और जिससे मेरे दोनों कान के पर्दे फटे हुए हैं। मैं ये 19 उसी दिन जब वो मारा तो मेरे कान से ब्लीडिंग शुरू हो गई। फिर मैं उसको बोली कि कान से ब्लीडिंग आ रहा है, मेरे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो वो बोला कि 19 तारीख को मॉर्निंग में मैं तुमको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, और डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने वो चला गया। अब 19 तारीख को मॉर्निंग में कॉल कर रही हूँ, कंटिन्यू उसको मेरे ख्याल से 20 से 25 कॉल करी होंगी, पलाश चंदेल ने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। मैं स्वयं संदीप साहू डॉक्टर, जो यहाँ के आँख कान गला के डॉक्टर हैं, उनके पास गई। डॉक्टर ने चेक करा और उन्होंने ये कहा कि जो इंजरी हुई है उसकी वजह से कान के पर्दे फटे हुए हैं। आपको जान से मारने की भी धमकी दी गई है, ऐसा मामला? थोड़ा समय दो शादी करेंगे, ये मामला हुआ हमारे बीच में तनातनी की। ये 2022 अक्टूबर से शुरू हो गया था। मेरे को थोड़ा और टाइम दो, मेरे को थोड़ा और टाइम चाहिए, ऐसा कह के टाइम लेता रहा। और जब मैं उसको बोली कि शादी तुम क्लियर बता दो, तुम शादी करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि कई भाजपा नेताओं के साथ मिलकर मेरी मीटिंग करा चुका था और उनके सामने मैं यह भी बोल चुका था कि मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आदिवासी समाज से बिलोंग करती हूँ। तभी किसने मारने की धमकी दी है ये बताइए आप। ये चूँकि जैसा सिचुएशन बना हुआ है, उस समय पलाश चंद्र खुद बोलता था कि मेरे पापा विधायक हैं, तुमको पता है, अब नेता प्रतिपक्ष भी बन चुके हैं, तो इस दरमियान देख लो, तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारे परिवार वाले हैं, सबके बारे में आगे पीछे सोच समझ कर तुम पुलिस के पास जाना अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने। अगर मेरे साथ मेरे परिवार के साथ कोई भी घटना घटती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदार पलाश चंदेल के साथ साथ उसके पापा नारायण चंदेल, उसके चाचा शेखर चंदेल और पूरे BJP पार्टी को मैं देती हूँ, क्योंकि इतनी घटना होने के बाद एक आदिवासी महिला के साथ ऐसा होता है, उसके दरमियान भी किसी ने मेरे लिए कोई कदम नहीं उठाया है। ठीक।